जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो आ चुके हैं, अभी 2 किलोमीटर पहले ही लाइन फुल है भाई। हमारा प्लान था सुबह 3 बजे उठने का, लेकिन भाई किसी की नींद नहीं खुली। 6 बजे हम लोग उठे और 7 बजे अभी बाहर आए ना। तो कितने टाइम में दर्शन होता है? मेरे को लग रहा है मैक्सिमम 1.5 घंटा लगने वाला है। आराम से लगेगा, 1-2 घंटे तो आराम से लगेंगे, फिर बाहर आते मिलते हैं। मंदिर के अंदर फोन अलाउड नहीं है। टाइम हुआ अभी 7:30 हुआ है। अभी देखते हैं बाहर कितने बजे आते हैं। महाकाल का दर्शन करके आएंगे बाहर, तो बहुत सारे आपको छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे जहाँ पर आप पूरे दर्शन कर सकते हैं। सबने वाले महाकाल ज्योतिर्लिंग के यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर मिल जाएगा आपको। इस मंदिर भी यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। एकदम महाकाल मंदिर के एकदम ज्योतिर्लिंग के सामने ही है इधर गणेश मंदिर। बहुत सारे आपको लाइन से छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे। भाई दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है, वहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना आए। तब बहुत सारे महादेव जी आपको हर एक रूप में वहाँ पर दर्शन करने के मंदिर मिलेगा, छोटे छोटे, और काफी सारे देव देवताओं का अंदर मंदिर। तो वहाँ पर भी आप जब भी आओ दर्शन जरूर करना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग अब हम 7:30 बजे आए और अभी 9:30 हो रहे हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर आपका हो जाएगा। ज्यादा भीड़ रहे तो 3 घंटे मैक्सिमम, और अभी इतना भीड़ भी नहीं है। सुबह सुबह एकदम खाली है। अंदर मोबाइल वगैरह अलाउ रहता है, लेकिन आपको वीडियो ज़्यादा अलाउ नहीं रहता, वो आप नहीं कर सकते। बाकी मोबाइल आप साथ में ले जा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। बड़ा बैग या कोई कैमरा ऐसी चीज़ आप नहीं ले जा सकते, सिर्फ मोबाइल आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। मतलब केंद्र के अंदर आएंगे ना, तो आपको यहाँ पर भस्म आरती के दर्शन होते हैं। तो आप एक बार तो एक्सपीरियंस जरूर लेना। 150 चार्ज है एक टिकट का, 1 टाइम पर, और 5 के ऊपर 1 बंदा फ्री है। फिर आपको भी एक बार जरूर करना चाहिए। 150 का है, वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको पूरी रियल आपको जर्नी दिखाई जाएगी महाकाल की, भस्म आरती कैसे होती है। एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं ही कर रहा हूँ, सामने खड़ा होगा, जैसे आपको एक्सपीरियंस रहेगा। 1 टाइम मेरे को 150 ज़्यादा नहीं, 1 टाइम एक्सपीरियंस जरूर करना। दुर्लभ दर्शन स्थान, ये तो आप मंदिर से जैसे एग्जिट करेंगे आपको सामने आ जाएगा, गली के अंदर दिख जाएगा सामने। भस्म आरती ऐसे कराई जाती है, जो अभी हमने की ना 150 स्टार। जब आप आएंगे आपको इसी लाइन से गुजरना पड़ेगा। आप 750 का टिकट लेके आओ, 250 वाला लेके आओ, चाहे फ्री वाला आओ। देखो भाई, आप 250 वाला टिकट आप लेना भी मत, 250 वाला टिकट लेके वो सेम ज़्यादा लाइन रहती है। सिर्फ 250 वाला टिकट लेंगे, सब लोग टिकट लेके आते हैं ना, तो लाइन ज़्यादा रहती है। इससे अच्छा आप फ्री दर्शन में जाना, मिनिमम आपको 20 मिनट 15-20 मिनट लगेंगे और दर्शन आराम से हो जाएंगे। अगर ज़्यादा भीड़ रहती है तो
ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट में आपको दर्शन आराम से ईजी हो जाते हैं, ज़्यादा अभी भीड़ भी नहीं है। फिट भाई कट्टा निकालने का है क्या? कट्टा कट्टा ये आपका कट्टा है, ये और ये दुकानदार, ये दुकानदार दो कट्टा दिया हमें, एक नंबर एक नंबर। माता मंदिर मेरे साथ आ रवि, मेहरबानी है, शुक्रिया करो उसका, बोल थैंक यू, शुक्रिया करो ना, मेरा भाई है यार। नहीं भाई ने पहले बोल थैंक यू, थैंक यू रवि भाई, थैंक यू, आज आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मेरी जेब में तो पैसा लगा सामने आते तो एक बार इधर के दर्शन जरूर करना, पूरा पूरा अंदर मैप भी रहेगा पूरा भारत माता का। चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ हम भाई, पूरे देख लो 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर है देख लो, पूरी यहाँ पर रामेश्वरम एक तो नेक्स्ट ईयर मल्लिकार्जुन भीमा शंकर गणेश्वर बद्रीनाथ महाकालेश्वर गंगानगर अमरनाथ अमरनाथ भी है सरस्वती नदी नागेश्वर द्वारिका काशी विश्वनाथ वेदनाथ सोमनाथ की जगह भाई पूरा पूरा भारत का मैप है। अंडमान ये यहाँ पर अंडमान है, थोड़ा इधर आएंगे तो आपको थाईलैंड मिल जाएगी लेकिन वो भारत के मैप में नहीं है ना इसलिए नहीं पानी के अंदर इसको आगे बीच में रामेश्वरम पूरा कोची द्वारका ये इधर नागड़ी था पर कालड़ी बना है दर्शन कर लो भारत माता के और चला जाता हूँ आज गम को पकड़ ले रहे हैं बाकी आज गम को। ये भाई सारे स्कूल फ्रेंड है, एक हैदराबाद बिजनेस का फ्रेंड है खाली, ये तो सबसे करीबी स्कूल फ्रेंड है, नहीं ये और ये दोनों साथ में गरीबी पुणे का, पुणे का सबसे बड़ा भिखारी है जो आपको कहीं भी मिलो के आगे दिखा हुआ मिल जाएगा पंडित है पूजा पुणे किसी भी रोड पर, पुणे किसी भी रोड कोई भी छोटा मंदिर है सामने 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 50 आदमी काम करते हैं। अभी उज्जैन के बगल जस्ट आप उज्जैन मंदिर के पीछे आओगे पार्किंग के पीछे आपको एक नीलकंठ पथ रोड मिलेगा जो उज्जैन के मेन रोड है, उधर आना भाई ना, उसमें बहुत मस्त व्यू रहता है, देख लो बहुत सारे टूरिस्ट आता है भाई, खाना खाने के बाद वॉक करने के लिए आ जाना मस्त रहता है।
हाँ अब पिंटू भैया को मान लो माँ का रोक ले जाना आप जब भी कभी आओ उज्जैन तो ये महाकाल लोग इधर घूमना कभी भी मत बोलना, ये मस्त रहता है। नाइट में आप आओ और अच्छा व्यू मिलेगा, दिन में तो इतना धूप रहता है इतना तो नहीं, लेकिन नाइट में आओ आपको लाइटिंग वाइटिंग बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है और पूरा भरा हुआ रहता है और बहुत पब्लिक भी रहती है। शाम में आना आप कभी भी आओ, लेकिन एक रात रुक के इधर जरूर आना, बहुत मस्त है जगह। कुछ यहाँ तक वीडियो देख लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब पार्ट टू में आपको और भी दिखेंगे यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस कितने पास में और दर्शन ये तक है, ये वीडियो यहाँ तक ही है और आगे का जो भी रहेगा वो आगे नेक्स्ट वीडियो में।